लिफ्ट के केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, लिफ्ट के केस में मान लो आपको एक लिफ्ट दे दी, ये एक लिफ्ट है, अंदर एक मैन खड़ा हुआ है और लिफ्ट रेस्ट पे है, और अगर वो रेस्ट पे है तो इसका वेट कितना है, एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन एन, और आपने इसके नीचे वेइंग मशीन रख दी, तो वेइंग मशीन जो है वो कुछ वेट दिखाएगी इसका, क्या दिखाएगी, एम जी। मान लो अगर ये 15 kg का है तो 15 × 10 = 150 N दिखाएगी। वेइंग मशीन, याद रखना, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके देती है। वेइंग मशीन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू देती है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपकी यहां पर क्या है, एम जी। आप ये नहीं बोलेंगे एम जी देती है, आप क्या बोलेंगे, वेइंग मशीन एन देती है। आप कहेंगे फर्क क्या पड़ता है यार, एम जी और एन में फर्क क्या है, एन तो एम जी के इक्वल है, तो हाँ इसमें फर्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एन और, क्योंकि बराबर आप जमीन पे खड़े हो गए, वेइंग मशीन से अपना वेट तोल लो, या लिफ्ट रेस्ट पे खड़ी हुई है उस पर तोल लो, क्या फर्क पड़ता है, रेस्ट तो एक ही बात है, जमीन के कॉन्टेक्ट में है तो जमीन ही तो है, कोई फर्क नहीं। तो यहां पर एन क्या होगा, एम जी, कोई डाउट इसमें। अगर मान लो लिफ्ट एक्सलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, एक्सलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो और आप, ये मेथड नंबर वन है जिसमें हम सारे क्वेश्चन किस फ्रेम में कर रहे हैं, ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब, आप प्लीज लिफ्ट में बताना, आप बेंच पे बैठे हैं, आप अर्थ पे बैठे हैं, आपके सामने एक ग्लास की बनी हुई लिफ्ट है, आप मुझे ये बताएं कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपको मैन कहां जाता हुआ नजर आएगा, ऊपर, भैया आप ग्राउंड पे हैं, आपके हिसाब से तो मैन ऊपर जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैन का ड्रॉ करें तो आप कहेंगे इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा फ्लोर से, एम जी लग रहा है इसका अपना वेट, और ये ऊपर जा रही है, पर आपके हिसाब से क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एन बड़ा होगा, एम जी छोटा होगा, क्योंकि ऊपर तो भी जाता है ना, जब एक फोर्स बड़ी एक फोर्स छोटी, तो इस केस में एन बड़ा है, एम जी छोटा है, तो नेट फोर्स क्या होगी, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एन क्या आ गया, एम जी प्लस एम में एम इंटू जी प्लस ए, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब वेइंग मशीन जब मेजर करके दे रही है, अब वो पता है क्या मेजर करेगी, एम जी नहीं, 15 मान लो के जी मास है, 15 × g + a, मान लो एक्सेलरेशन कितनी है 2 m/s², तो 15 × 10 + 2 = 12, वेट बढ़ जाएगा आपका वेइंग मशीन पे, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर गया ऊपर की तरफ तो वेइंग मशीन पे आपका वेट आपको ज्यादा नजर आएगा। हमें ह्यूमन नेचर है, आदत है जमीन पे रहने की, हम उड़ते तो नहीं ना, जमीन पे रहते हैं, तो हमें ना n इज इक्वल टू एम जी में रहने की आदत है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, n एम जी के इक्वल है, देखो मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मैं घबराहट भी नहीं हो रही, पर अगर कोई मेरे को ऐसे झूले में डाल दे, रोलर कोस्टर में, जो पहले मुझे ऊपर लेके जाएगा एक्सलेट फिर नीचे फेंक देगा, तो मेरे को ना मेरा दिल बैठ जाएगा, इसलिए नहीं, मैं आँख भी बंद कर लूँगा तब भी बैठा रहेगा, क्योंकि मेरे को अजीब फीलिंग आती है, सबको आती है, प्लेन में जा रहे हो, टेक ऑफ कर रहा है, कोई झूला ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो अजीब फीलिंग आती है, क्योंकि आपका नॉर्मल रिएक्शन एम जी नहीं रहता, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एम जी रहना पसंद करता है, आपकी बॉडी फिट है एन इज इक्वल टू एम जी के लिए, तो जब एन एम जी नहीं रहता आपको अजीब सी फीलिंग आती है कि जब आपका वेट, क्योंकि क्या हो रहा होता है, चेंज, तो वेइंग मशीन आपका वेट चेंज करेगी, आपका वेट ज्यादा हो जाएगा अगर एक्सेलरेशन हो रही है ऊपर की तरफ, और इस वेट को बोलते हैं अपेरेंट वेट, क्योंकि एक्चुअल वेट कभी चेंज नहीं होता, एक्चुअल वेट तो एम जी है, आपको आपकी तरह मेरा वेट चेंज होगा, आपको नहीं यार खाया भी तो ठीक ही है, वेट कैसे, पतला कैसे हो गया, मोटा कैसे हो गया, खाया तो भाई है, नहीं भाई वेट तो mg है आपका, एक्चुअल वेट तो mg है, पर एक्सेलरेटेड मोशन में लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है तो एपरेंट वेट बोलना पड़ेगा, तो नया वेट, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट, ये तब तक रहेगा जब तक लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट, इसको एपरेंट, क्वेश्चन आएगा फाइंड एपरेंट वेट, एपरेंट वेट का मतलब कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा। और अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो आप लोग अर्थ पे बैठे हैं, आप लोग क्या कहेंगे, मैन कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे की फोर्स बड़ी ऊपर की फोर्स छोटी, तो एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एन इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए, आपको वेट कम फील होगा, कम फील होगा, आपको क्या हल्का फील हो रहा है, जब नीचे उठा के कोई फेंकता है आपको और अजीब फीलिंग आती है, आपको वेट हल्का होने की फीलिंग आती है, ये अपरेंट वेट कम हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तीन केस मैंने सॉल्व किए, कोई स्टूडेंट कहता है यार मेरे को ना अर्थ बिठा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैं ना लिफ्ट के अंदर जाना चाहता हूँ और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, चलो लिफ्ट में चलते हैं, मेथड नंबर
टू, अब ये बंदा या आप लोग, आप में से कोई जो आंसर देना चाहता है, अब ग्राउंड पे बैठ के आंसर मत दे, इस बंदे के साथ साइड पे खड़ा हो जाए और उसको दुनिया बिल्कुल नहीं दिख रही, लिफ्ट बिल्कुल बंद है, वो बस बंद कमरे में है और उस बंदे का वेट कैलकुलेट करना चाह रहा है। पहला केस आपने आंसर दिया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अब आप आंसर देंगे किस में आके, लिफ्ट में आके, आंसर सेम आएगा। ये आपकी मर्जी है कि आप किस फ्रेम से आंसर देना चाहते हैं, अर्थ के फ्रेम से या लिफ्ट के फ्रेम से। चलो लिफ्ट के अंदर चलते हैं, लिफ्ट से फ्रेम का मतलब है कि लिफ्ट के अंदर चलते हैं। जब आप लिफ्ट के अंदर गए और ये लिफ्ट क्या कर रही, लिफ्ट रेस्ट पे है, इस बंदे से पूछा भाई तू बता ये बंदा किस पे नजर आ रहा है, वो कहता है जी रेस्ट पे है जी, मैं खुद सबूत हूं, मेरे सामने देखो हम दोनों रेस्ट पे हैं। तो उसे पूछा इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, वो कहता है एन इज इक्वल टू एम जी, बात खत्म, डन, पहला केस तो वही है, तो एन एम जी के इक्वल है। फिर लिफ्ट को एक्सलरेट करवा दिया, तो साथ में जो लिफ्ट के अंदर बंदा खड़ा है उसे पूछा गया कि ये बता भाई लिफ्ट जो है अब वो एक्सलरेट कर रही है तो बता इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है। अब वो कहता देखो ऐसा है, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा बाहर क्या है, लिफ्ट चल रही है नहीं चल रही, आप कह रहे हो चल रही है तो ओके चल मान लेते हैं चल रही है, पर फिर याद रखना अब मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा हूँ और मुझे इतनी फिजिक्स आती है कि मुझे बता दिया गया है कि मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ, और एक्सेलरेटेड फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल, तो मैं न्यूटन के लॉ लगा नहीं पाऊंगा इसमें, मैं गलत आंसर दूंगा क्योंकि अब मैं ट्रेन या लिफ्ट के अंदर जा चुका हूँ, मैं सही आंसर नहीं दूंगा। पर अगर आप मुझसे सही आंसर पूछना चाहते हो तो मेरे को आप अलाउ करें एक एक्स्ट्रा फोर्स लेने के लिए जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। आप सूडो फोर्स लेने को कहेंगे फिर मैं लॉ लगा के एन निकाल दूंगा, चल मैंने कहा ले ले। जब उसने सूडो फोर्स ली, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है विद ए, इस मैन पे सूडो फोर्स कहां एक्ट करेगी, नीचे, कितनी, एम ए, क्योंकि बंदे का मास और एक्सेलरेशन लिफ्ट की एम ए। फिर इससे पूछा कि ये बंदा तेरे को किस पे नजर आ रहा है, कहता आ तो अब भी रेस्ट पे रहा है क्योंकि मैं तो खुद इसके साथ ही मूव कर रहा हूं। तो मैंने कहा फिर आंसर क्या है, कहता देखो रेस्ट पे नजर आ रहा है तो ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस, तो मैंने ऐड कर दिया, बस बात खत्म। तो अगर वो ऐड करेगा आंसर फिर से क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम, सही है। अब अगर मान लो कोई बंदा इस लिफ्ट के अंदर जो एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, और अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है और वो बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, अगेन उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो अर्थ के फ्रेम में नहीं है। अर्थ के फ्रेम में सूडो फोर्स क्यों नहीं ली गई थी, क्योंकि अर्थ कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल, वो तो रेस्ट पे है। और अगर इनर्शियल फ्रेम से काम करती हो तो न्यूटन ने कहा था कि कोई सूडो फोर्स देने की जरूरत नहीं है, मेरा लॉ लगाओ आंसर सही आएगा। पर अगर आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में है तो न्यूटन ने क्या कहा था, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स के अंदर अगर मेरा लॉ लगाओगे बिना सूडो फोर्स के आंसर गलत आएगा। तो क्योंकि आप अंदर घुस चुके हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है, तो ये कहां जा रही है, लिफ्ट, नीचे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। और अगर ये बंदा सही आंसर देना चाहता है, इसको मैन पे क्या कंसिडर करनी पड़ेगी, सूडो फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एम ए, पर इसको ये रेस्ट पे नजर आएगा, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू एम जी। तो वो क्या करेगा, एम ए प्लस एन इज इक्वल टू एम जी, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एम इंटू जी माइनस से, ऐसे। तो आंसर सेम आएगा, आपकी मर्जी आप कैसा करना चाहते हैं। कोशिश लोग यही करते हैं कि सूडो फोर्स ना लगानी पड़े, बट कई जगह लगानी भी पड़ती है। पर मेरा काम है दोनों का डिफरेंस बताना कि दोनों से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कैसे करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक। अपनी फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर ये तीन डायग्राम बनाओ, तीन डायग्राम में ये तीन नीचे फॉर्मूलाज भी लिखो। पहला ये डायग्राम, अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो अपेरेंट वेट ये रहा, अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो अपेरेंट वेट ये रहा, और लिफ्ट अगर नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो अपेरेंट वेट ये रहा। ये तीन फॉर्मूलाज को नोट करें प्लीज़।